సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు, ఇది చీకటి వెలుగు. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలోని ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో విద్యార్థులకు బోధించే టీచర్లు లేకపోవడంతో అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని ఏఐసిసి మెంబర్ మైనార్టీ నాయకులు ఖాలిద్ సైఫుల్లా పేర్కొన్నారు. పట్టణంలోని ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో కళాశాలలో విద్యార్థులకు టీచర్స్ లేకపోవడంతో విద్యార్థులు ఎలా చదువుకుంటారని ప్రశ్నించారు. మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మైనార్టీ సంక్షేమానికి విద్య కోసం కృషి చేస్తున్నట్లు పేర్కొంటున్నారని, కానీ ఎక్కడ కూడా అమలు కావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి దృష్టి సారించి పట్టణంలోని ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో కళాశాలలో టీచర్స్ కొరత లేకుండా చూడాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా మైనార్టీ ఉపాధ్యక్షులు అబ్దుల్ నయీం, పట్టణ మైనార్టీ ఉపాధ్యక్షులు మక్సూద్ ఉన్నారు. सभी प्रेस के भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पहले मैं कि आपने हमारे लिए बुलावे पर यहाँ पर तशरीफ लाए. आज जो सबसे बड़ा मसला आज हम उठाने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के थ्रू, वो मसला ये है उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों का मसला है, जहाँ पर हुकूमत बड़े बड़े वादे करती है कि उर्दू ज़बान जो है स्टेट की दूसरी बड़ी ज़बान है, वहीं उर्दू मीडियम की स्कूलों की हालत इबरतनाक बना दी जा चुकी है. हम बाबा 10 दिन से इस सर्वे में लगे हुए हैं कि स्कूलों में बच्चे कितने हैं और टीचर्स कितने हैं. हमने कई स्कूल सर्वे किए, बिलखसूस तांडूर मंडल के और कोडंगल मंडल के, और स्टेट की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है. स्कूलों की हालत ये है कि राजू कॉलोनी का जो एक स्कूल है उर्दू मीडियम का, जिसमें 83 स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर पढ़ाने वाले टीचर एक है. इंद्रम्मा कॉलोनी के स्कूल में 107 बच्चे हैं और पढ़ाने वाले टीचर दो हैं. और उसी तरीके से नंबर 2 हाई स्कूल में 124 बच्चे हैं और 2 टीचर्स हैं इंक्लूडिंग हेडमास्टर. उसी तरीके से सारे स्कूलों का हिसाब यही है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में सफिशिएंट स्टाफ मौजूद है. अब मैं सवाल करना चाहता हूँ इस नाकारा हुकूमत और निकम्मी हुकूमत से कि अगर बच्चों के मुस्तकबिल को हम सुधारने के लिए जाएं तो हम किस तरह जाएं. आपने एक तरफ बड़े बड़े वादे किए हैं, एक तरफ आपने टिमरीज की पिक्चर, जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है, उसकी पिक्चर सारे स्टेट में बनाए हैं, मगर जब हम ग्राउंड रियलिटी पे देखेंगे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ आपके गवर्नमेंट स्कूलों में मौजूद नहीं है. ये खौम सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन के सतह गुर्बत से भी नीचे है. बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास उर्दू मीडियम स्कूलों के ज़रिए इदराए हैं. अगर यहाँ पर भी आप हमें तालीम नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम आपकी इस नाअहली को आपकी साजिश समझें? केसीआर साहब, आपके बच्चे, आपके मिनिस्टरों के बच्चे ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर 20 बच्चों के साथ एक टीचर को रेशियो में दिया जाता है. आप हमें जस्टिफाई करिए, ये हम आपसे सवाल करते हैं, इसको आप जस्टिफाई करिए कि 107 बच्चों में 2 टीचर और 83 बच्चों में 1 टीचर, ये कहां का इंसाफ हुआ? आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? हमने मुख्तलिफ उर्दू मीडियम हाई स्कूलों का दौरा किया, वहाँ पे ये मालूम हुआ कि जहाँ पर स्ट्रेंथ जो है नंबर 1 हाई स्कूल की 260 है, जिसमें 4 टीचर मौजूद हैं इंक्लूडिंग हेडमास्टर, बाकी के सब्जेक्ट वाइज टीचर कहाँ से लाएंगे हम? क्या बच्चों को हम मैथ नहीं पढ़ाएंगे? कई स्कूलों में, ये उर्दू मीडियम स्कूलों की हालत बता रहा हूँ मैं आपसे, आपको जानकर शायद शर्मिंदगी हो और तमाम लोगों को शायद शर्मिंदगी होगी कि गवर्नमेंट स्कूल में कई ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं स्टेट में जहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल में उर्दू की टीचर्स नहीं है. अरे, आप किस जाविये से और किस तरीके से बोल रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट कर रहे हैं? आपने तो हमसे हमारा तालीम का हक छीन लिया बिल्कुल, आपने हमारे बच्चों के उम्मीदों को तोड़ दिया.
ऐसी नाअहल और नाकारा हुकूमत से हम सवाल कर रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं कि इन अफसियती इन जो माइनर ये जो स्कूल आए उर्दू मीडियम स्कूल है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके पोस्ट को फुलफिल करिए। आपके जो साहेबजादे हैं वो बोलते हैं कि अभी तो विविध का भी टाइम नहीं है, अभी हम बाद में सोचेंगे इसके लिए। अरे कब सोचेंगे साहब, 2 साल बच्चों का मुस्तकबिल ऑलरेडी ख़राब हो चुका है और उर्दू मीडियम की इतनी हालत बुरी है साहब, जहाँ पर बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो बच्चे बिल्कुल गरीब घरों के बच्चे, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, मगर माँ बाप की ख्वाहिश के लिए ये बच्चे आकर स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, जहाँ पर आप असातिज़ा नहीं रखते स्कूल में। क्या आप ये इंसाफ कर रहे हैं उर्दू मीडियम के बच्चों के साथ? आपका ये सलूक क्या सौतेला सलूक नहीं है? हम 10 साल हो गए, आप 2010-2011 में डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग ओपन की है, आप पूरे मीडिया चैनल्स में चला कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अब तांडू में खुल चुका है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री कॉलेज है वो, जहां पर आज तक लेक्चरर अपॉइंट नहीं हुआ, जहां पर 100 बच्चे अभी भी फिलवक्त जो डिग्री कॉलेज बीकॉम में फर्स्ट ईयर में 35 बच्चे पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में 32 और फाइनल ईयर में 25 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक लेक्चरर है जो मैडम है शरीफा मरियम, वो कॉमर्स पढ़ाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। 5 पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, 3 सब्जेक्ट्स है और 2 लैंग्वेज के लिए। और जो बच्चे 150 बच्चे ऐसे हैं जो पूरे डिग्री कॉलेज में जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज उर्दू ऑप्ट किया है, आपके पास उर्दू का लेक्चरर मौजूद नहीं है। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज हाई स्कूल के बच्चे टूरिज्म डे में 1st और 2nd रैंक पे आए हैं। ऐसे टैलेंटेड बच्चों का टैलेंट जो है आप उछल रहे हैं, ये क्या है? आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? हमने जब सवाल उठाने की कोशिश की, हमने बार बार उनके मिनिस्टरों से मुलाकात की, कहा कई मरतबा कहा कि भाई हमें हमारे बच्चों के लिए टीचर मुकर्रर करिए, आज तक वो अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अब हमारी फॉर्म जाएंगी तो जाएंगी कहाँ? क्या हम इसी तरह पैदा हुए और मर जाएं? क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या हमारे बच्चों को बोलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, आगे बढ़ने की आज़ादी नहीं है? आप हमारे केसीआर, मैं आपको कहता हूँ, आप ही हैं जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को कुचल रहे हैं। अगर बच्चों की ग्राउंड लेवल ग्रास लेवल पे अगर सही परवरिश नहीं की गई, सही इनको टीचिंग नहीं मिली, तो आगे कैसे पढ़ सकेंगे? आप इस साजिश के तहत, मैं बता रहा हूँ, आप इस साजिश के तहत जो है उर्दू मीडियम को ख़त्म कर रहे हैं। कोविड का वबा जब आई, 2 साल हो गया, माशी एतबार से मुस्लिम कम्युनिटी बहरान का शिकार हो गई है, हालात बहुत ख़राब हैं, खानगी स्कूलों से लाकर पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूलों में शरीक कर रहे हैं बच्चों को, मगर इसके अब जब देखेंगे सरकारी स्कूलों में तो सरकारी स्कूलों के मिजाज तो बिल्कुल बदले हुए हैं। हम किससे सवाल करें? आज ये सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हमने प्रेस मीट की है और ये जो है टीचर्स का रेशियो है और ये टीचर्स के डिटेल्स हैं कि यहाँ पर कितने टीचर मौजूद हैं। फिर वक्त तो तेलंगाना में 1652 वैकेंसीज हैं उर्दू मीडियम में अवेलेबल, एक तो भी आप फिलअप नहीं कर रहे। बच्चा अगर इंग्लिश पढ़ता है तो मैथ से दूर है, मैथ पढ़ता है तो सोशल साइंस चुका है अपने मानों में, दो दो टीचर रखकर आप कब तक स्कूल में चलाएंगे? अगर यही सुलूक आपके बच्चों के साथ अगर होता तो आप बर्दाश्त करते? आप तो फौरी पेरेंट टीचर मीटिंग लगा कर बोलते कि भाई तुम स्कूल की गलत कर रहे हैं और ये स्कूलों से हम निकालते हैं बच्चों को। जब बारी हमारी कौम की आती है तो आप तो बिल्कुल बदले हुए हैं, हम किससे सवाल करें? बिल्कुल हमें सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिश कर रहे हैं ये हुकूमत, और ये हुकूमत का रवैया अगर इसी तरह उर्दू मीडियम और सरकारी स्कूलों के साथ रहा तो ये सरकार को हम चलने नहीं देंगे, और इंशाल्लाह हम देखेंगे, आप भी देखेंगे कि ये सरकार अब चलने वाली नहीं है। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है एजुकेशन के मामले में, ये सरकार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है।
हम इस मीडिया के थ्रू आपसे गुजारिश करते हैं कि फौरी इस पर अमल करिए और फौरी जो जो पोस्टें खाली हैं उनको भरिए। जो जो स्कूल में अगर आप गवर्नमेंट से भर नहीं सकते तो एटलीस्ट बीवीज को अपॉइंट करिए ताकि ये बच्चे पढ़ सकें। दो महीने तीन महीने बोल रहे हैं, दो महीने की बात करेंगे, तीन महीने की बात करेंगे, तीन महीने तक बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आकर स्कूलों में क्या करेंगे? खाली बैठेंगे तो फिर एग्जाम में कैसे हो आएंगे? कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो कल मुस्तकबिल में हम क्या करेंगे? हमने ये सवाल 12 हुकूमत से उठाया है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि याद रखिए केसीआर साहब, तारीख याद रखिएगा आपको कि कैसे हमने अकलियतों से उनका हक छीनाया, उनसे उनकी तालीम छीनी है और आपने इनका हम लोगों का जो हशर है बहुत इबरतनाक बना दिया है। हमारे बच्चों ने जो तालीम छीन ली है इनका कल के दिन इनका रोजगार मुतासर होगा। कल जब इनका रोजगार मुतासर होगा तो हम किससे सवाल करेंगे? आपने तो बुनियादें हिला दी हैं हमारी। अगर इस पर आप जल्द से जल्द अमल करेंगे तो अच्छा होगा, वरना हम जो है पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हम इंशाल्लाह ये कल लेके जाके हमारे एमआरओ साहब को और एमईओ साहब को और कलेक्टर मैडम को इंशाल्लाह ये हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है वो देंगे। अगर इसके बाद भी अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह तैयार हो जाइए एक ऐसे रेवोल्यूशन के लिए जो आपकी हुकूमत की बुनियाद को हिला देगा। शुक्रिया।